लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यूनिंग किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2018 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, वो खिलाड़ी जिन्होंने इन्हें IPL की नीलामी में 9.6 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर खरीदा था, क्रिस लिन IPL 2018 से बाहर हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ट्रांस तस्मान T20 सीरीज का जो फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था, उस मैच में क्रिस लिन खेल रहे थे। वहां पर दोस्तों, एक सिंगल बचाने के चक्कर में वो क्रैश आउट हुए ग्राउंड पर, और दोस्तों उनका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में कल से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग से ऑफिशियली क्रिस लिन बाहर हो गए हैं। उनके प्रवक्ता ने साफ किया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं होंगे, और दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग लगभग 1 महीने तक चलेगी, और उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद IPL की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, जो क्रिस लिन है, उनके फिजियो का मानना है कि उनकी जो मेजर बोन इंजरी नहीं हुई है, कोई उनकी बड़ी खासी इंजरी नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों लगभग 2 से 3 महीने का रेस्ट अभी भी उन्हें चाहिए होगा अगर उन्हें पूरी तरीके से फिट होना है इस शोल्डर डिसलोकेशन के बाद। हालांकि दोस्तों, IPL की शुरुआत सिर्फ 1.5 महीने बाद होने वाली, उससे भी कम समय बचा है, और इतनी जल्दी शायद क्रिस लिन न है सही, और शुरुआती मैचों से वो इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा ना बने। इससे पहले मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि IPL 2017 में 7 मैच ही खेल सके थे क्रिस लिन अपनी टीम की तरफ से, और शुरुआती कुछ मैचों के बाद ही वो इंजरी के चलते दोस्तों उस समय भी बाहर हो गए थे। इनका दोस्तों इंजरी से बहुत पुराना नाता रहा है। दोस्तों, इनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये हर साल 2 से 3 बार इंजर्ड होते हैं और वापसी करते हैं, उसी अंदाज में वापसी करते हैं। अब दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या क्रिस लिन IPL 2018 तक फिट हो पाएंगे, जिसकी संभावनाएं कम है। हालांकि दोस्तों, ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में उनका इलाज चलेगा जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएंगी कि क्या वो IPL में अवेलेबल रहेंगे KKR की तरफ से खेलने के लिए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी प्रॉपर न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इंडियन प्रीमियर लीग 2018 और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी। इसी तरह की और खबरें लगातार पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, और दोस्तों आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।